नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल स्टडी मैथ पर पुनः स्वागत है। आज पुनः जो है एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज जो है एक छोटे से टॉपिक को क्लास फोर का टॉपिक है, बात करेंगे कि सममित आकृतियाँ क्या होती है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सममित आकृतियाँ सर बताइए, तो आज सममित आकृतियों को लेकर पुनः हम हाजिर हैं कि सममित आकृतियाँ क्या होती है और कैसे उसको पहचानते हैं कि यह सममित में है और कैसे जानेंगे कि यह सममित में नहीं है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हाँ, एक बात बताएं कि इस चैनल पर सिर्फ मैथ के वीडियो मिलते हैं। अगर मैथ को पूरा सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि आने वाले ऐसे ही मैथ के वीडियो आप पाते रहें और देखते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सममित आकृतियाँ, सममित आकृतियाँ किसे कहते हैं? देखिए, सममित आकृतियाँ उस आकृति को बोला जाता है, कोई भी आकृति सममित आकृति कहलाती है यदि उसे दो बराबर भागों में बांट सकें, उसे दो बराबर भागों में बांट सकें तो वह आकृति सममित आकृति में कहलाती है। आइए आपको करके दिखाते हैं कि कौन जो है सममित आकृति होती है और कौन सममित नहीं होती है। देखिए, पहला एक सवाल देखिए, जैसे मानकर चलिए कि ये आपका ए लेटर है, या ए है, ये सममित है या नहीं है इसकी जानकारी आपको मैं बताऊं कि इसको क्या करिएगा, आपको बीच से ऐसे क्या करना है, डिवाइड करना है इसके वर्टिक्स से होकर के। देखिए, पूरा पूरा आधा आधा बराबर में भागों में बट गया, एक इधर बट गया, एक इधर इधर बट गया, दो बराबर भागों में बट गया, इसलिए ए जो है क्या है, सममित आकृति है। और उसी को ले लेते हैं, एक ओ भी ले लेते हैं, ये अल्फाबेट का अक्षर है, इसको भी आप दो बराबर भागों में आराम से आप बांट सकते हैं। ये वर्टिकली ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं, आप इसको चाहें तो ऐसे भी बदल सकते हैं। तो ये आपका सममित आकृति है, ये सममित आकृति है, ये आप होरिजेंटल नहीं खींच सकते हैं, इसमें सिर्फ वर्टिकल खींचाएगा। इसमें वर्टिकल और होरिजेंटल माने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों खींच सकते हैं, इसलिए दोनों के दोनों सममित है। आइए एक दिखाते हैं कि सममित है कौन नहीं। इसे देखिए, जैसे यहाँ पे जे अक्षर ले लेते हैं, जे अक्षर यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, ये जे अक्षर। अब देखिए, जे अक्षर को आप ऐसे खींचेंगे, ऐसे, तो ये देखिए कुछ इसको अलग मिल गया, उसको ऊपर वाला को अलग, इसलिए ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। और आप ऐसे डिवाइड करिएगा इस तरीके से, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, तो फिर इसको कुछ नहीं, इसको कुछ और मिल रहा है, इसको कुछ और, तो इसलिए जे अक्षर क्या है, ये जो है सममित आकृतियाँ नहीं है, ये यह सममित आकृति नहीं है, यह सममित आकृति है। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, इस तरह से जो है आप कोई भी आकृति दिया हो और उसको आराम से आप इस विधि का प्रयोग करके एक बार ऊर्ध्वाधर चेक करेंगे, ऊर्ध्वाधर नहीं मिलेगा तो क्षैतिज चेक करेंगे, दोनों नहीं मिलेगा तब जा करके वह क्या होगा, सममित होगा। सिर्फ ऊर्ध्वाधर मिलेगा तब वो हो जाएगा, सिर्फ क्षैतिज मिलेगा तब वो हो जाएगा, लेकिन अब दोनों नहीं मिलेगा तो इसलिए सममित नहीं होगा। इस तरह से आपने दोनों तरीका देख लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो